आज की वीडियो बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम कैरेक्टर की तरफ चले जाएंगे, कैरेक्टर किस तरह बनाएंगे और उसको कैसे रिग करेंगे या एनिमल्स वगैरह कैसे बनाएंगे, वो वीडियोस नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएंगी। तो ये आज बैकग्राउंड की आखिरी वीडियो है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कोई भी इमेज आप खुद भी बना सकते हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, और हर लेयर जो है वो एक प्रॉप बन जाती है कार्टून एनिमेटर में। ये एक जनरल फार्मूला है जो आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे जो भी एक लेयर होगी, एक लेयर वहाँ पे जाके एक प्रॉप बन जाएगी, दैट्स इट। हमने लास्ट वीडियो में इन लेयर्स को इंडिविजुअली SVG के तौर पे सेव किया था। अभी हम क्या करते हैं कि पूरी फाइल को हम एक SVG के तौर पे इस तरह सेव करते हैं कि वो कार्टून एनिमेटर में ये सारी लेयर्स एज इट इज़ हमें नज़र आएँ, खुद ब खुद हमें 1x1 इनको एक्सपोर्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें SVG में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप EPS से SVG में जाते हैं तो कुछ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, कुछ एलिमेंट्स जो ओपेसिटी होती है या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि EPS बनाने वाले ने कैसी लेयर्स बनाई हैं और उसके ऊपर क्या काम किया है। तो ये हर फाइल यूनिक होगी, तो ये इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि एक फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। बहरहाल हम इस फाइल को ऐसी SVG में एक्सपोर्ट करते हैं जिससे ये सारी लेयर्स एज इट इज़ रहें। मैं फाइल में चला गया, यहाँ पे सेव अ कॉपी इधर चला गया। इसमें जाने के बाद मैंने यहाँ पे SVG के तौर पर इसे सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया 222, राइट, इसको मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे कर दिया मैंने सेव। ये भी मुझसे SVG की सेटिंग पूछेगा। इस ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे ये कन्वर्ट को आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो इससे क्या करेगा कि ये इन सारी लेयर्स को मिला के एक लेयर के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। अगेन ये लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पे कार्टून एनिमेटर में। लेकिन मैं यहाँ पे अगर SVG ही रहने देता हूँ, कन्वर्ट नहीं करता इसको आउटलाइन में और बाकी सेटिंग्स में चेंज नहीं करता, तो फिर ये होगा। हो सकता है ये बैकग्राउंड पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें फ़र्क पड़े, लेकिन ये लेयर्स वहाँ पे एज इट इज़ रहेंगी। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ओके, 222 नाम दिया था मैंने। तो अभी मैं कार्टून एनिमेटर में खोलता हूँ। ये मेरी 222 वो फाइल है जो हमने सेव की। इस फाइल को मैं यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर रहा हूँ। ये मुझसे पूछता है कि प्रॉप या सीन। अगर प्रॉप के तौर पे रखेंगे तो एक ही में कन्वर्ट कर देगा, सारी लेयर्स खत्म कर देगा। प्रॉप पे नहीं लेके आना, हमने सीन के तौर पे लेके आना है। देखिए ये सीन के तौर पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसमें सारी लेयर्स हैं। जो लेयर्स वहाँ पे थी इलस्ट्रेटर में वो सेम की सेम लेयर्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसको अगर सारा सेलेक्ट हुआ पड़ा है, मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो ये है तो वेक्टर ही, लेकिन वो सारी लेयर्स उसी तरह मौजूद हैं। कभी कभी वेक्टर की क्वालिटी जो है वो फ़र्क पड़ती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ है। आप इसको, आप हर लेयर को इंडिविजुअल प्रॉप के तौर पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इन प्रॉप्स को इंडिविजुअल कैसे लेके जाया जा सकता है SVG में, या इनको एक ही फाइल के तौर पे SVG में ऐसा सेव किया जा सकता है और फिर उसको कार्टून एनिमेटर में एज अ सीन के तौर पे जब इम्पोर्ट किया जाता है तो ये सारी लेयर्स हमें एज इट इज़ नज़र आती हैं। तो ये काम बिल्कुल फोटोशॉप के साथ भी हो सकता है। फोटोशॉप में कैसे होता है, तो लेट्स हैव अ लुक। फोटोशॉप में मैंने ये ड्राइंग बनाई है, तो इसकी ये तीन लेयर्स हैं। देखें ये लेयर्स हैं, ये तीन ही लेयर्स हैं इसके ऊपर। ये बैकग्राउंड की है, स्काई लेयर है, और ये माउंटेन्स वगैरह हैं, और ये सामने का एरिया है कुछ। तो ये तीन ही लेयर्स हैं। इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। ये देखें ये तीन लेयर्स हैं, Layer 1, Layer 2, Layer 3। तो ये लेयर का पैटर्न फोटोशॉप में एज इट इज़ जाता है कार्टून एनिमेटर में। कार्टून एनिमेटर फोटोशॉप के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। जो लेयर की हायरार्की यहाँ पे है वही वहाँ पे होगी। ये जो मेरी फोटोशॉप की फाइल है इसको मैं ड्रॉप एंड ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ये मुझसे पूछ रहा है प्रॉप सीन। प्रॉप मतलब कि सारों को कन्वर्ट करके एक कर देगा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीन वाला ऑप्शन चाहिए। तो सीन पर क्लिक करूँगा तो ये इन तीनों लेयर्स को तीन प्रॉप के तौर पे लेके आ चुका है। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं उनको इकट्ठा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये एक लेयर है इंडिविजुअल, इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, उसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ, इसी तरह इनको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। तो ये अभी हमने देखा कि कार्टून एनिमेटर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के साथ बिल्कुल कम्फर्टेबल है। इलस्ट्रेटर के साथ ऐसे कभी कभी मसले मसाइल आते हैं, लेकिन फोटोशॉप के साथ बिल्कुल एज इट इज़ वो काम करता है, बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है। तो बहुत सादा सा असूल ये है जो हमने अभी तक बैकग्राउंड में सीख चुके हैं कि जो कुछ भी आप लेयर एक लेयर के ऊपर रखेंगे वो एक प्रॉप के तौर पे चला जाएगा। 1 layer = 1 prop here। तो ये एक फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ तक हमने बैकग्राउंड को बनाना डिटेल से सीख चुका है। तो बैकग्राउंड बनाते कैसे हैं वो फोटोशॉप का एक अलग से कोर्स आएगा, वो उस पर टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो फोकस है इस पर कार्टून एनिमेटर के हर एंगल से उसको देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जा रहे हैं कैरेक्टर बनाने की तरफ, कि अगर बने बनाए कैरेक्टर्स हमें फ्री पिक से मिल जाते हैं तो उनको हम
बोन्स कैसे लगाएंगे, उनका हेड 360 कैसे रोटेट करेंगे, उनको एनिमेट तो हम ऑलरेडी करना सीख चुके हैं, लेकिन कैरेक्टर बनाना, उसको रिग करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो हम नेक्स्ट वीडियो से उस तरफ जा रहे हैं। आपको हमारे चैनल पे मतलब किस्म की प्लेलिस्ट मिलेगी कार्टून एनिमेटर के हवाले से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्लेलिस्ट है वेरी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें सारी वो चीज़ें होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। छोटी छोटी एक चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है, और दूसरी हमारी जो मेन प्लेलिस्ट है इसमें डिटेल से किसी एक टॉपिक को लेके मुकम्मल वीडियो है। इन वीडियोस को साथ साथ देखते हुए आपने इस छोटी वाली वीडियोस को भी देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इशू आ रहे हैं एनिमेशन करने में तो फेसबुक का लिंक भी मौजूद है ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और आपके हर इशू के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो इस तरह बना दिया करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।